भाइयों मैं चल दिया खेत को। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों देखो हमारे यहाँ पंडित जी ने एक वही है 24 इंच होगा मेरे ख्याल में, 24 का 22 इंच भी होगा। देखो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए किसान भाई ने नया तरीका अपनाया। इस तरह पैदावार ज़्यादा होती है भाइयों। हमने तो 60 इंच बोई है भाइयों। अपना अपना तरीका है हर किसान का। जी भाइयों किनारे पे हमने बाजरा बो रखा, फ्री का चारा है, किसान भाइयों को जरूर बोना चाहिए। देखो भाइयों कितना ब्याज हो गया इसका, फंस गया एक दौरे, बाउंड्री बन गई इसकी। एक आंख एक गज में बोई थी हमने, देखो एक आंख में 100 आंख फूट गई, देखो फंस गया एक दौर से। ये देखो भाइयों एक आंख का मेड्डा है, इसमें कम से 200 गांडे होंगे। ये क्या जबरदस्त है भाइयों। देखो ये एक आंख हुई थी हमने, कम से कम 100 आंख हो, कितना बड़ा मेड्डा हो गया, कमाल की बात है। ये देखो किस तरह बाउंड्री बन गई। ये देखो सारा फैल गया। इधर भी हमने एक आंख वो रखी है, थोड़ा पानी नहीं आया, इधर कम आया, फूटते जा रहे, बढ़ते जा रहे, हड़ताल बढ़ता है। देखो भाई हमारी ईख बोई हुई पंडित जी के 24 इंच पर रखी, हमारी 60 इंच पे। भाइयों देखो 60 इंच पे बोया था हमने, पानी दे दिया, अब जमिया होगा 5-4 दिन में। भाइयों कोई अकलबंदी नहीं है इतना बीज धरती में दावने की, बिना मतलब वो 24 इंच बो रखा हम बावले नहीं है, 60 इंच बो रहे हैं। हर तजुर्बे कर रखे थे, भी हमने 60 इंच बोया भाइयों। किसान भी यही तो बचता है, और क्या बचेगा, कुछ बीज में बच जाएगा, कुछ खाद में बचता है। पैदावार तो सबके बराबर है, कम नहीं होती बिल्कुल बीज में। भाइयों ये भी एक आंख बोई थी, किस तरह अट गया है बाजरा, बाउंड्री बन गई बहुत जबरदस्त। देखो ये भी कट रहा था 8 दिन पहले, किस तरह फूटता रहा। ये जितनी बार भी कटता है उतनी बारिश का ब्याज बढ़ता है भाइयों। ये देखो बाउंड्री किस तरह हो रही है, ये देखो भाइयों बाउंड्री बहुत बढ़िया बाड़ होगी, चारा का चारा, बाउंड्री की बाउंड्री। भाइयों ये पौधा फरवरी का बोया हुआ है। भाइयों देखो 48 इंच की पेडियाँ फंस गई आपस में। मैं हर आदमी से कहता हूँ भाइयों तो चौड़ाई बढ़ाओ, कोई नहीं बढ़ा रहा, पता नहीं क्या लोगों को डर चढ़ रहा, इन सोचा इनको भाई कदे में घाटा जा, घाटा आता तो हमें भी तो आता। भाइयों हम क्यों बो रहे हैं आपका, हमने 60 इंच पे क्यों बोई है, ये तुम्हारी 48 इंच की है। भाइयों हमने जब पहले बोई थी 5 बीघे 60 इंच पे, तो हम मट्टी नहीं चढ़ा पाए थे, हमारे पास यंत्र नहीं थे, तो हम फेल हो गए थे। हमने ये सोच ली थी 60 पे बोएंगे तो ट्रैक्टर लेंगे, यानी बिना ट्रैक्टर काम नहीं चले। अब भाइयों ट्रैक्टर भी ले लिया, आपका हमने 60 इंच पे कर दी, पैदावार सेम है, ये तो अपनी मेहनत की बात है। बल्कि 60 इंच की बांधने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सारे यंत्र आपके पास। भाई ये फार्म ट्रैक से मेड़ा फेरते हुए गन्ना बोने के बाद क्या शानदार आवाज है। भाई ये फार्म ट्रैक की आवाज़ बहुत बढ़िया, राम राम है, एक फायरिंग गिलो ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक 45 चल रहा है खेत में। भाई ये मैं आपको उनकी बुआई दिखाता हूँ, कितने नेड़े खूड़ा है, हो सका 150 क्विंटल का हिसाब एवरेज भी आ सकता है, जब बीज घना पड़ा है।
गोरे की जमीन है भाई, यहाँ तो एक खुड़ फालतू बोया भाई ने, इतना प्यास करता करना है, सिर्फ पानी पानी की जरूरत थी, खाद की आवश्यकता भी नहीं होती गोरे में तो। पर ये बाड़ा डरते हैं कभी मारा कम लिगड़ा है, तब जी झूठ बोल रहे हो। ये भाई ने 10 कुंटल बीज खरीदा पड़ोस के गांव से 4,000 का, 2 कुंटल काफी था। तो 3200 रुपये बचत थे इसमें बीज में किसान को, जिस हिसाब से मतलब बीज लिया है। पर तजुर्बा कोई करे अभी तो, इन्हें तो डर ये था कभी मारा पैदावार ना हो। अब भाई 150 की पैदावार हो सकती है मेरे हिसाब से, जिस तरह किसान ने सोच के डाला बीज। भाइयों आपको कैसी लगी किसान की बात, जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।